जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के अंदर मसाज सेंटर लीगल है या इनलीगल है, मेल टू मेल मसाज लीगल है या इनलीगल है, मेल टू फीमेल लीगल है या इनलीगल है, मेल टू मेल लीगल है या इनलीगल है, और फीमेल टू फीमेल लीगल है या इनलीगल है उसके बारे में बताएंगे। और इसके ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा परमिशन लेना होगा उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका सवाल है, इंडिया में मसाज सेंटर या फिर बॉडी मसाज बिजनेस स्टार्ट करना लीगल है या इनलीगल? जी हाँ, इंडिया में बॉडी मसाज या मसाज सेंटर ओपन करना पूरी तरह लीगल है, 100% लीगल है। उसके लिए गवर्नमेंट आपको लाइसेंस भी इशू करा के देते हैं। जैसे भी मैं आपको पहले ही बताया था, कुछ आपको स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है और कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है। लेकिन मैं आपको और एक चीज अभी बता देता हूँ, इंडिया में बॉडी मसाज या फिर मसाज सेंटर ओपन करना लीगल है, लेकिन मसाज सेंटर के अंदर जो भी घिनौना काम होता है, यानी आप समझ जा रहे होंगे सेक्स वर्क, वो पूरी तरह इनलीगल है। इंडिया में ओनली बॉडी मसाज लीगल है, सेक्स पूरी तरह इनलीगल है, ठीक है। और अभी चलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था मेल टू फीमेल लीगल है या इनलीगल है इंडिया में? जी हाँ, मेल टू फीमेल पूरी तरह लीगल है। फीमेल टू मेल लीगल है या इनलीगल? जी हाँ, फीमेल टू मेल भी पूरी तरह लीगल है। अभी मेल टू मेल लीगल है या इनलीगल? जी हाँ, मेल टू मेल पूरी तरह लीगल है। एंड फीमेल टू फीमेल लीगल है या इनलीगल? जी हाँ, ये भी पूरी तरह लीगल है। बस ओनली दिल्ली के अंदर ये लीगल नहीं है, लेकिन दिल्ली को छोड़ के सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी पे लीगल है। इंडिया में क्रॉस जेंडर मसाज सेंटर इनलीगल है, यानी दिल्ली में ओनली फीमेल पर्सन को सर्विस दे सकते हैं एंड मेल पर्सन को सर्विस दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली को छोड़ के सभी स्टेट के अंदर क्रॉस मसाज लीगल है। यानी आप कोई भी जेंडर को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, अभी चलते हैं लाइसेंस क्या क्या लगेगा बॉडी मसाज या फिर मसाज सेंटर ओपन करने के लिए। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पहला लाइसेंस आपको लगेगा उसका नाम है उद्योग रजिस्ट्रेशन, इसको MSME या फिर उद्योग आधार भी बोलते हैं। उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है, जब तक आपका बॉडी मसाज बिजनेस है तब तक वो लाइसेंस वैलिड है, उसका कोई ईयरली या फिर मंथली रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं होता है। नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है ISO सर्टिफिकेट, उसका वैलिडिटी 3 साल के लिए होता है, आफ्टर 3 ईयर वो लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। नंबर 3 पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है GST रजिस्ट्रेशन, उसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। जैसे ही आपको लाइसेंस के नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि आप जो भी इनकम करते हो उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स के आकार में देने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO और GST। और कुछ आपको स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होगा, यानी कि जो भी स्टेट के अंदर आप ये बॉडी मसाज बिजनेस ओपन करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ आपको लाइसेंस लेना होगा। पहला जो लाइसेंस है उसका नाम है ट्रेड लाइसेंस, इसका मतलब है जो भी स्टेट के अंदर आप स्पा ओपन करेंगे उसका परमिशन लोकल स्टेट गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी से आप लेते हो उसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, या आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से इशू होता है।
नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है लेबर लाइसेंस। आपका ये बॉडी मसाज या फिर मसाज सेंटर बिजनेस के अंदर टोटल जितना भी एम्प्लॉई वर्क करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट पे होता है। आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट ये लाइसेंस इशू करा के देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ये दो ही लाइसेंस लगता है, पहला जो है ट्रेड लाइसेंस, सेकंड जो है लेबर लाइसेंस, और टोटल 5 लाइसेंस लगेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO, GST, ट्रेड और लेबर लाइसेंस। तो ये था टोटल 5 लाइसेंस लगेगा। और इसके लिए डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूं क्या क्या लगेगा, यानी कि आप अगर स्पा या ये बॉडी मसाज बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी ओनर होंगे ओनर का आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और जिस जगह पे आप ये बॉडी मसाज बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस जगह का एक प्रूफ लगेगा। यानी आप अगर रेंट पे लेके ओपन कर रहे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट देना होगा, अगर खुद का प्रॉपर्टी में अगर ये आपने ओपन किया है तो उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल या फिर उस जगह का कोई भी एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो टोटल ये सभी डॉक्यूमेंट लगता है। आपको भी अगर ये लाइसेंस अप्लाई करना है तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए, हमने जो आपको डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप पे हमको सेंड करना है। आपका ये सभी डॉक्यूमेंट लेके हम गवर्नमेंट का वेबसाइट पे अप्लाई और अप्रूव करा के देंगे, आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए और बॉडी मसाज बिजनेस का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।